जीयूआई डिजाइन और कोडिंग की बात आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे कोड इंस्पेक्शन और कोड वॉक थ्रूज की। जब आपने मॉड्यूल को कोड कर लिया यानी कि इंप्लीमेंट कर लिया, लिख लिया इसे, तब आप कोड इंस्पेक्शन और कोड वॉक थ्रू करते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें आप कोशिश ये करते हैं कि इंश्योर करें कि जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो हुए कि नहीं हुए। इसके अलावा आप ये भी कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा एरर्स निकल आए उतना अच्छा है। टेस्टिंग के पहले, अभी आप टेस्टिंग तक नहीं पहुंचे, लेकिन टेस्टिंग के पहले आप जितनी एरर निकाल सके उतना बेहतर है। अब कोड इंस्पेक्शन और कोड वॉक थ्रूज में हम कोशिश करते हैं कि एरर निकालें, और जो एरर निकल आते हैं वो बहुत कम एफर्ट लगाते हैं करेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये एरर आपको इंटीग्रेशन या टेस्टिंग के समय मिलेंगे तो उनको दूर करना, उनको करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने खुद की कोडिंग स्टैंडर्ड या गाइडलाइन बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मिश्रा सी है, मिश्रा सी प्लस प्लस है, JSF है, ऐसे काफी जो प्रचलित अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। उन स्टैंडर्ड्स के अलावा, क्योंकि वो काफी काफी स्पेसिफिक है, काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस उनमें से कुछ चीजें ले लेते हैं और अपने हिसाब से कोडिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं, वो उन ऑर्गेनाइजेशन को जो सूट करता है उस हिसाब से वो बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें अलग अलग चीजें देखेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि वो कोडिंग स्टैंडर्ड और गाइडलाइन होती किस तरीके की। जैसे आप ग्लोबल्स का यूज लिमिट करने के लिए कुछ एक रूल बनाते हैं कि भाई कौन सा डेटा, कौन सा ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होगा, कौन से नहीं होंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर्स के लिए नेमिंग कन्वेंशंस क्या होंगे, किस तरीके से नाम आप लिखना चाहते हैं, और सब लोग वही फॉलो करेंगे। जब आप कोई कोड लिखते हैं तो उसके ऊपर हेडर होता है, हेडर यानी कि वो बताता है किसने डेवलप किया, क्या चीज है, मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या होता है। तो जो हेडर्स हैं अलग अलग मॉड्यूल के, वो भी स्टैंडर्डाइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है उसका वही लोग कोशिश करते हैं, इंजीनियर जो इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो उसे यूज करें। हेडर के डेटा में ये सब चीजें हो सकती हैं, क्या नाम है मॉड्यूल का, डेट कब इसको बनाया गया है, जो जिसने बनाया उसका नाम क्या है, मॉडिफाई कब कब हुआ है, सिनॉप्सिस उसकी मॉड्यूल की, मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी की, क्या वो करता है, क्या क्या फंक्शन ये सपोर्ट करता है इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स के साथ, ग्लोबल वेरिएबल कौन से एक्सेस करता है और कौन से मॉडिफाई होते हैं उस मॉड्यूल के द्वारा। इसी तरीके से जो एरर आने वाले हैं उनके रिटर्न, जब वो रिटर्न होंगे या वो मिलेंगे तो उनके कन्वेंशन क्या होंगे, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है उनके मैकेनिज्म क्या होंगे, ये सारे आपको कोडिंग स्टैंडर्ड्स में बताए जाते हैं। जो हैंडल करना है इन एरर्स को या इन प्रॉब्लम्स को, वो स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्डाइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, यदि आपका रिटर्न होता है, जब आप कोई भी फंक्शन प्रॉब्लम में आता है, एनकाउंटर करता है और वो रिटर्न करते हैं हम आप उसमें, तो उसमें जीरो करेगा या वन करेगा, माइनस वन करेगा, ये सब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके इसमें। एक और चीज कि अगर आप समझदार हैं, अगर आपने ऐसा कोड लिख दिया जो आपके हिसाब से बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा बेहतरीन कोड बनाया आपने, वो यहाँ पर थोड़ा सा एक डिस्करेज किया जाता है। उसका कारण ये है कि आप क्रिप्टिक और इनकॉम्प्रिहेंसिबल कोड लिख दें, ऐसा जो मतलब समझ में नहीं आ रहा, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब उसको समझ अंडरस्टैंड करना, समझना, उसके बारे में जानना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसको भी डिस्करेज किया जाता है। क्लेवर कोडिंग, समझदारी वाली कोडिंग जिसमें आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना चाहते हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को तो रोक ही देगा, समझ नहीं पाएंगे आप उसके बाद आगे, अगर समझ नहीं पाएंगे तो मेंटेनेंस कैसे करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे उसे। तो ऑब्स्क्योर इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, उसमें फंक्शन कॉल में अगर आप देखा जाए जो साइड इफेक्ट आते हैं, तो मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे पैरामीटर्स को, जो पास बाय रेफरेंस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन क्या करेंगे ग्लोबल वैल्यूज में, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में किस तरीके से होगा। ये ऑब्स्क्योर साइड इफेक्ट के बारे में जो बात कर रहा हूँ, जो कॉम्प्लेक्सिटी से निकल के आती है, वो कैजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द कोड इसमें आपको नहीं मिल पाएंगे। समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कोड को। जैसे अगर ग्लोबल वेरिएबल है, ये आपने चेंज किया ऑब्स्क्योरली, यानी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी लगाई कि आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या चेंज किया, तो जो पढ़ने वाला होगा एनीबडी उसको समझता ही रह जाएगा, तो आपको इस पर खास ध्यान देना है। आइडेंटिफायर, एक ही आइडेंटिफायर, एक ही वेरिएबल नेम आप कई जगह यूज कर रहे हैं, क्या ये सही है? कोडिंग गाइडलाइंस कहती है कि ये सही नहीं है, मल्टीपल पर्पस के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप अलग अलग नाम दीजिए, अलग अलग वेरिएबल का नाम दीजिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जो लूप वेरिएबल में इसको यूज करते हैं, साथ में जो रिजल्ट निकल के आता है उसको भी स्टोर करने में लगा देते हैं। एक एग्जांपल देखिए, फॉर का लूप लगाया आपने, आई यूज किया, आई में आपने ये वैल्यू भी डाल दी, फिर रिटर्न भी आई करा दिया, क्या ये सही प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है? इसमें क्या करते हैं कि लोग आर्ग्यू करते हैं, क्या कि देखिए मैंने तीन वेरिएबल बनाने की जगह एक वेरिएबल बनाया और उसको रीयूज किया, यानी कि मेरी मेमोरी लोकेशन तीन यूज होनी थी, मैंने एक ही यूज किया, एक ही यूज किया, एक ही मेमोरी लोकेशन यूज कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद जो दिक्कतें आती हैं वो मतलब मैनीफोल्ड हो जाएंगी। आपको थोड़ी सी जगह बचाने के लिए, मल्टीपल पर्पस के लिए एक ही ये वेरिएबल यूज नहीं करना है आपको।
पहली बात तो ये है कि आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा, एनॉय हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, कोई समझने की कोशिश करेगा यार ये आई यूज किया, ये कहां जा रहा है, किसने यूज कर रहा है, ये इसका भी काम कर रहा है, उसका भी काम कर रहा है, तो मेंटेनेंस कैसे होगा उसका। क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर कट रखिए, वो नाम यूज करिए जो आप और आपके अलावा कोई और समझ सके। डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यह है कि हर एक तीन लाइन, जो रूल ऑफ थंब है गाइडलाइंस के, कोडिंग गाइडलाइंस में, कि कम से कम एक कमेंट लाइन आपके तीन सोर्स लाइन, जो कोड कोडिंग वाली लाइन है, उन तीन सोर्स में कम से कम एक कमेंट आपको देना चाहिए। इसी तरीके से फंक्शन की लेंथ है 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एक रूल ऑफ थंब है। लेंथी फंक्शन अगर आप बनाएंगे बड़े लंबे चौड़े, तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोहेजन जो फंक्शनल स्ट्रेंथ है वो उसमें कम है, समझ नहीं पाएंगे उसमें, और फंक्शन जो है एक साथ बहुत सारे काम कर रहा है, इसका सीधा मतलब यही होता है। गो टू तो आपको यूज ही नहीं करना है। आप अगर जो भी सुन रहे हैं, आप ये जरूर देखें कि आपके जो प्रोग्रामिंग के जो टीचर होंगे उन्होंने आके सबसे पहले ये लाइन कही होगी, सी या सी प्लस प्लस वाले, डोंट यूज गो टू स्टेटमेंट। हमें भी यही बताया गया था, क्योंकि इससे प्रोग्राम अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है, जो एक सीरियल वाइज है ना सिक्वेंशियल, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, वो सब त्रुटि में बदल जाता है, यहां से यहां पहुंचा देगा, यहां से यहां पहुंचा देगा, तो स्ट्रक्चर क्या रह जाएगा, समझना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको। अब कोड वॉक थ्रू की बात करते हैं। ये एक इनफॉर्मल कोड एनालिसिस टेक्निक है, ये हम तब करते हैं जब कोडिंग मॉड्यूल की कंप्लीट हो जाए। कुछ लोग डेवलपमेंट टीम के कुछ टेस्ट केसेस सिलेक्ट करते हैं, उसको सिमुलेट करते हैं, हाथ से लिखते हैं कि इस टेस्ट केसेस का क्या एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ये कोड वॉक थ्रू में आता है। इनफॉर्मल टेक्निक तो है, ये बहुत सालों से इवॉल्व हुई है, उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस है, कॉमन सेंस है, सेवरल सब्जेक्टिव, बहुत सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स है उसके साथ, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ इनफॉर्मल टेक्निक है वो बहुत इफेक्टिव है। इसीलिए कोड वॉक थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें समझ लीजिए कि जो गाइडलाइंस है इसको एक एग्जाम्पल की तरह मत लीजिए, बल्कि इसको एज ए रूल लीजिए, ताकि इसको आप बहुत शिद्दत से अप्लाई कर सके। जो टीम है कोड वॉक थ्रू कर रही है वो बहुत बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि हमने 7 के बारे में बात की थी, जो हमारा मैजिक नंबर है, 3 से 7 के मेंबर रखिए कोड वॉक थ्रू करने के लिए। जो डिस्कशन है वो किस बात पर आधारित होना चाहिए, किस बात की तरफ इशारा करना उसका जरूरी है, वो ये है कि हमको डिस्कवर करना है, एरर को निकालना है, कैसे फिक्स करना है, ये अभी कोड वॉक थ्रू का अब स्कोप नहीं है। इसीलिए आप ये कोशिश करें कि वॉक थ्रू से हम जो मीटिंग हो उसमें कि भाई क्या आप कर रहे हैं, उससे कोऑपरेशन ज्यादा बढ़े, चीजें बाकी चीजें अलग हट जाए। और एक और चीज डॉक्टर राजीव माली साहब ने कही कि जो मैनेजर्स हैं उनको तो ये मीटिंग जो वॉक थ्रू की है उसको अटेंड ही नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कोड इंस्पेक्शन की। अब कोड इंस्पेक्शन क्या है? कोड वॉक थ्रू में आप प्रोग्राम को रन नहीं करते, ठीक, लेकिन कोड इंस्पेक्शन भी मेनली तो इसको इसका काम यही है कि आप जो कॉमनली या बहुत अमूमन तौर पे जो एरर होते हैं उनको निकालना है, उसका काम भी यही है। कोड वॉक थ्रू अलग चीज है, कोड इंस्पेक्शन में आप जो बहुत बहुतायत में एरर होती है अमूमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि कोड को एग्जामिन करते हैं उस तथ्य के अनुसार जो तथ्य हमें बता रहा है कि भाई ये एरर सबसे ज्यादा होते हैं, इन्हें ध्यान दीजिए। तो हैंड सिमुलेशन जो कोड एग्जीक्यूशन का होता है यहां पर कोड का एग्जीक्यूशन हम करते हैं जो कोड वॉक थ्रू में नहीं होता है। जो कोड एग्जीक्यूशन जो इन कॉन्ट्रास्ट टू द हैंड सिमुलेशन ऑफ कोड एग्जीक्यूशन, ये कोड वॉक थ्रू में होता है, यहां नहीं होता है, यहां इंस्पेक्शन होता है केवल। तो अगर आप समझें कि भाई कोई एक ऐसा क्लासिकल एरर है, आप जब प्रोसीजर लिखते हैं तो आप कुछ एरर जो है वो आपको पता है कि ये होते रहते हैं, तो ये एरर्स को अगर हम जाने तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ जगह जानते हैं कि यहाँ पर हाईली लाइकली है कि यहाँ एरर होंगे, जैसे हम कंटेनमेंट ऑफ एरर भी कहते हैं, तो हम उस तरीके के उस प्रकार के जो मिस्टेक्स हैं कोड में वो जाने, जो हम कर रहे थे सिंपली हैंड सिम्युलेटिंग एग्जीक्यूशन कोड वॉक थ्रू के तहत वहां ना करके हम उस जगह पे जाए जहां पर एरर हो सकती है। उसका तरीका क्या है? आप जरूर सोच रहे होंगे उसको करेंगे कैसे। तो उसका तरीका ये है कि जो कंपनीज हैं वो कलेक्ट करती हैं वो स्टैटिस्टिक्स, जहां पर एरर स्टैटिस्टिक्स यानी कि आपके नंबर्स कि कहां पर एरर ज्यादा हो रही है, कौन से एरर लोग ज्यादा करते हैं, कौन से एरर ज्यादा होते हैं, ये तीनों चीजें चारों चीजें अगर आपको पता चल गई तो ये जो कॉमन एरर्स हैं जो कि आ रहे हैं इन स्टैटिस्टिक्स से, वहां से हम निकल के हम ये जान सकते हैं कि हमें कौन से एरर्स देखने हैं जो कोड इंस्पेक्शन में हमको निकल के आएंगे। अब जो एरर्स हो सकते हैं वो समझिएगा, एक तो अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं, लूप टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, एरे जो है उसका साइज के आगे आप चले जा रहे हैं जिसे हम आउट ऑफ बाउंड्स कहते हैं, असाइनमेंट इनकॉम्पेटेबल है, आप इंटीजर को स्ट्रिंग असाइन करना चाह रहे हैं, स्टोरेज एलोकेशन डीएलोकेशन आपने न्यू तो कर दिया फ्री किया ही नहीं, एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर मिसमैच हो रहे हैं, वहां इंट दिया यहां डबल दे दिया आपने, लूप्स में जंपिंग हो रही है, ये चीजें आपके एरर की श्रेणी में आती है और इन्हें हम कोड इंस्पेक्शन के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं।
तो कोड इंस्पेक्शन में आप लॉजिकल ऑपरेटर्स गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑपरेटर्स का एक लॉजिकल प्रेसिडेंस है जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिया गया होता है। आप लूप वेरिएबल को इनप्रॉपर मॉडिफिकेशन कर दे रहे हैं, आप इक्वालिटी गलत लगा रहे हैं, इसीलिए आप जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये चीज निकल के आ जाएगी आपके कोड इंस्पेक्शन में। तो एडहेरेंस टू कोडिंग स्टैंडर्ड्स इज चेक एंड इट इज वेरीफाइड कि आपने कितना एडहेयर किया है, कितने आप कोडिंग स्टैंडर्ड को आपने फॉलो किया है। अब सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन में जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो खूब सारे डॉक्यूमेंट आप जनरेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल और सोर्स कोड तो होता ही होता है, ये तो मेन चीज है जो आनी ही आनी है। ये एक्चुअली हम लोग तो यही समझते हैं कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल और सोर्स कोड है यही डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन ऐसा नहीं। इसके अलावा यूजर मैनुअल है, SRS है, डिजाइन डॉक्यूमेंट है, टेस्ट डॉक्यूमेंट है, इंस्टॉलेशन मैनुअल, ये सारी चीजें भी जनरेट होती है। तो ये बहुत जरूरी पिवोटल रोल प्ले करती है, वाइटल पार्ट है, जरूरी पार्ट है, एक नेसेसरी पार्ट है बल्कि आजकल के डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस में। अब अच्छे डॉक्यूमेंट से क्या होता है कि आपकी समझदारी उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के प्रति, उस कोड के प्रति और जो भी चीज रिलेटेड है उनको मेंटेन करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं लेकिन हम उनको कैटेगरी में बांध देते हैं। एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। तो इंटरनल डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट जो कोड के अंदर होता है। अब बोलेंगे कोड के अंदर क्या डॉक्यूमेंट होता है? कोड के अंदर जो कमेंट्स होते हैं, कोड के अंदर जो हेडर होता है, ये जो चार चीजें हैं जो सोर्स कोड के अंदर होती है उन्हें हम इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, और जो कोड उसके बाहर जो चीजें होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप जनरेट करते हैं, उसे हम एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, उसमें आप वेरिएबल का नेम मीनिंगफुली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कोर्स कोड का इंडेंटेशन कैसा है, स्ट्रक्चरिंग कैसी है, इन्यूमरेटेड टाइप और कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर्स का यूज, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का यूज, जो हेडर आपने दिए मॉड्यूल के और जो कमेंट्स है, वो सारे इंटरनल डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आते हैं। एक अच्छा सॉफ्टवेयर और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करता है कि इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन बहुत हद तक फॉलो किया जा सके, कोडिंग स्टैंडर्ड्स और कोडिंग लाइंस को बेस बना के ये इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन लिखा जाए। जैसे अगर आपने A=10 लिख दिया और यहाँ पर आपने कमेंट में लिख दिया A=10, इसकी कोई भी सार्थकता नहीं है, इसकी यहां पर एम्बिग्विटी पैदा करने की कोशिश है जिसे हमें दूर करना है। अब जो मीनिंगफुल वेरिएबल नेम है ये सबसे ज्यादा यूजफुल इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन अगर आप केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन करें। अब बात करते हैं एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन की, यूजर मैनुअल हो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट SRS, डिजाइन हाई लेवल लो लेवल, टेस्ट डॉक्यूमेंट, टेस्ट केसेस, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस, यूजर मैनुअल, ये सारे एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट में आते हैं। अगर आप सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पद्धति अपनाते हैं तो जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं ये ऑर्डरली फैशन में जनरेट होते हैं। सबसे जरूरी इस बात को देखना है कि अच्छा डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपकी कंसिस्टेंसी हो, सब कुछ कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट मतलब ये है कि एक पार्ट जैसे दिख रहा है वैसे दूसरा पार्ट होता है, उसमें एकाग्रता हो, सब चीजें एक जैसी दिखाई दें, गलत एक जगह कुछ और दूसरी जगह कुछ और बोल रहे हैं तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। अगर डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंट नहीं है तो सीधी सी बात है कि आपको कंफ्यूजन होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो अप टू डेट होने चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आज मैं यूज कर रहा हूं और आज आपका वर्जन कुछ और है और उसमें लिखा हुआ है कि आप फाइल के बाद न्यू में जाइए, न्यू के बाद ओपन में दबाइए, ओपन के दबाव बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा और आप देख रहे हैं कि ओपन फाइल के न्यू के बाद ओपन आ नहीं रहा है, फिर आप क्या करेंगे उस समय? इस समय आप कोशिश करेंगे कि आप नए डॉक्यूमेंट को देखें और नए डॉक्यूमेंट आपको जनरेट करने, और ये केवल यूजर मैनुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी बात कर रहा हूँ क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं एंड चेंज इज द ओनली थिंग विच नेवर चेंजेस, चेंज इज गुड। तो जब चेंज होता है तो उसको आप चेंज को आपको लिखना भी है। टेक्सचर डॉक्यूमेंट की बात करें वहाँ पर रीडेबिलिटी आपकी बढ़ती है, आपके टेक्सचर डॉक्यूमेंट में रीडेबिलिटी एक बहुत उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ रीडेबिलिटी आप पढ़ पाए। रीडेबिलिटी का मतलब समझिएगा, आपने 8 के फॉन्ट में लिख दिया, आपने ऐसे फॉन्ट लिख दिया जहाँ पर जो शादी के कार्ड में लिखा जाता है ऐसा अगर फॉन्ट दे दिया तो ये तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी चीज लिखिए जो आप जो हर आदमी समझ सके और जब समझ जाएगा तो मेंटेन भी कर पाएगा। एक रीडेबिलिटी मेजर होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए, उसे हम गनिंग फॉक्स इंडेक्स कहते हैं। गनिंग फॉक्स इंडेक्स किस तरीके से निकलता है? 0.4 नंबर ऑफ वर्ड्स बाय नंबर ऑफ सेंटेंसेस प्लस परसेंटेज ऑफ वर्ड ऑफ 3 और मोर सिलेबल्स। थोड़ा अंग्रेजी इसमें ज्यादा चेक की जाती है। तो ये बताता क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग टू इजीली अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट। आपको बहुत अपने पढ़ाई अच्छे से की हो, खासतौर पर अंग्रेजी की और लिखने की, कंटेंट राइटिंग की, तभी आप ये चीज अच्छे से कर सकते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट अच्छा माना जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड माना जाता है जब सेंटेंसेस छोटे छोटे हों, 4-5 वर्ड कैरेक्टर्स जो है वो छोटे छोटे हों, 5 और 6 इससे ज्यादा ना हो। तो हम समरी देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा इस पूरे GUI कोडिंग और डिजाइन में। विजेट्स की बात शुरू की हमने देखा कि विजेट्स क्या होते हैं। ये विजेट्स हम एक एक करके यूज करते हैं, उनको एक साथ संजोते हैं, जोड़ते हैं और उसके बाद में एक इंटरफेस डेवलपमेंट का एक प्रोसीजर होता है, वो इन सब विजेट को विंडो ऑब्जेक्ट को यूज करके और सुंदर हो जाता है। हमने पुल डाउन मेन्यू से लेकर कंटेनर्स की बात की, जो मैं आपको यहाँ दर्ज दिखा रहा हूँ उसके अलावा बहुत सारे विजेट होते हैं। कोडिंग स्टैंडर्ड में हमने देखा कि एक जो अच्छी
कोडिंग प्रैक्टिसेस को इन्फोर्स किया जाता है, कोडिंग गाइडलाइंस हमको बताती है कि प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम कैसे करना चाहिए। इसके अलावा ये बताते हैं कि चलिए आप अपने डिस्क्रिप्शन पे अपने स्टाइल में प्रोग्रामिंग करिए, बट स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, ये आपको समझने और मेंटेनेंस करने में आसानी पैदा करता है। डॉक्यूमेंटेशन दो भाग में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन सोर्स कोड के अंदर होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की देखी जाए तो उसके लिए हम गनिंग फॉक्स इंडेक्स यूज कर सकते हैं। ये बात हुई जीयूआई कोडिंग डिजाइन की। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी की।